जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, वहीं ऐसे में योगी सरकार ने कठोर कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश के सभी बॉर्डर्स सील कर दिए हैं। ऐसे में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाने वाले प्रवासियों और मजदूरों पर रोक लग गई है। सभी बॉर्डर्स पर सिर्फ जरूरी सामान वाली गाड़ियों को ही जाने की परमिशन मिल रही है। और क्या क्या एहतियात यूपी बॉर्डर पर शासन ने प्रशासन को बरतने के लिए कहे हैं, देखिए इस ग्राउंड रिपोर्ट में। तो हम खड़े हैं जो गोरखपुर का बॉर्डर है, ठीक वहाँ पे खड़े हैं। और अभी अभी ये न्यूज आई है कि यूपी के जितने बॉर्डर हैं उनको अभी सील किया जाएगा और बाहर बाहर के राज्यों से जो लोग आ रहे हैं उनकी एंट्री पे पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है, जिसकी वजह से आप देखिए एक लंबा जाम भी आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि जो ट्रक हैं, एसेंशियल सर्विसेज हैं, उन लोगों को यहाँ से निकलने दिया जा रहा है, लेकिन जो लोग भी बाहर से आए हैं उनको अभी फिलहाल यहाँ पे जो अधिकारी हैं उनसे स्पेशल पर्चियाँ यहाँ बनानी पड़ेंगी और परमिशन लेके ही वो आगे जा सकते हैं, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने जितने भी बॉर्डर्स हैं उनको पूरी तरीके से सील कर दिया है। नेक्स्ट कोई भी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक इसके ऊपर कैसे कार्रवाई करनी है वो अभी देखना होगा, लेकिन फिलहाल जो लोग यहाँ फंसे हैं उनको एक एक करके उनसे ये कारण पूछा जा रहा है कि आखिर आप क्यों आए थे, कहाँ जा रहे हैं, और जो बाहरी राज्यों से आए हैं पहले उनकी पूरी मेडिकल जांच की जाएगी और उसमें देखा जाएगा कि क्या उनके अंदर कोई ऐसे लक्षण तो नहीं है जिसकी वजह से उनको क्वारंटीन करने की ज़रूरत हो। लेकिन आप पीछे देखिए यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करवाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो व्यवस्था है उसको मेंटेन किया जाए। और तमाम पुलिस के अधिकारी हैं यहाँ पे और तमाम वो लोग हैं जो प्रशासनिक अमले को इसको पूरा काम करा रहे हैं। हालांकि लोगों के अंदर थोड़ी उत्सुकता है क्योंकि एकाएक ये फैसला आ गया, थोड़े परेशान भी नज़र आ रहे हैं लोग, लेकिन जो पुलिस और यहाँ पे लोग हैं वो पूरी तरीके से इस बात की तकदीर कर रहे हैं कि जो बाहर से लोग आए हैं उनको डायरेक्टली एंट्री ना मिले और अगर मिल भी रही है तो उसकी पूरी जांच हो। और जो डेली पासेज इशू किए जा रहे थे उनको पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया है। यानी 4 तारीख के बाद जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद इसको किस तरीके से सारी सरकारें लेती हैं। हालांकि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की नोटिफिकेशन आई थी कल, उसके हिसाब से जो स्टूडेंट्स, जो मजदूर और जो टूरिस्ट फंसे हुए हैं उनको दोनों सरकारें नोडल अफसरों को अपॉइंट करने के बाद आपकी बातचीत से और बसेस के थ्रू, कोई प्राइवेट व्हीकल से नहीं आएगा, बसेस के थ्रू आप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भेज सकते हैं। लेकिन अभी की बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश शहर में, उत्तर प्रदेश के सारे शहरों के बॉर्डर पूरी तरीके से सील कर दिए गए हैं। सकता है कई लोगों को योगी सरकार के इस फैसले से दिक्कत आ रही हो, लेकिन जब तक सीमा पर बाहर से आने वाले लोगों पर रोक नहीं लगेगी तब तक यूपी के अंदर फैल रहे कोरोना वायरस पर अंकुश नहीं लग पाएगा। न्यूज़ डेस्क।